नमस्कार दोस्तों, जायके के सफर में विद्या के साथ आज आपका स्वागत है। मैं आज आपको मध्य प्रदेश लेके जाना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो में महाराष्ट्र गए थे, आज चलते हैं भारत के दिल की तरफ, मध्य प्रदेश, जहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रेकफास्ट स्नैक होता है, वो है समोसा और जलेबी। तो मैं आज आपको पहले वीडियो में समोसा बनाने की विधि बताऊंगी बिल्कुल जबलपुरिया स्टाइल, और दूसरे वीडियो में आपको मैं जलेबी, झटपट जलेबी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो जबलपुर की प्रसिद्धता ये है कि जबलपुर को संस्कार धानी भी कहा जाता है, ये जबालीपुर ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। मैं जबलपुर की हूँ, इसीलिए बड़ा नॉस्टैल्जिया है जबलपुर के लिए, और जबलपुर बहुत ही प्रसिद्ध है धुआंधार वाटरफॉल्स के लिए। तो ज़रूर से जाइए जबलपुर, और ज़रूर से वहाँ पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करिए समोसा और जलेबी। फिलहाल के लिए आप इस रेसिपी की डिटेल्स देखिए। तो जो सामग्री लगेगी समोसे बनाने के लिए, तो पहला जो है वो बैटर है, जो आटा बनेगा है वो है मैदा से, ऑल पर्पज फ्लार। मैंने करीब करीब आधा किलो मैदा ले लिया है। उसके साथ पड़ेगा अजवाइन, जिसको ओवा भी बोलते हैं, नमक और घी। नमक बिल्कुल स्वाद अनुसार, घी करीब करीब 3 बड़े चम्मच हमने लिया है। जो ये आटा, कड़क आटा गूंथेगा इसका, और मैं बताऊंगी ये आटा जब गूंथूंगी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा आटा गूंथना है। समोसे की फिलिंग के लिए मैंने आलू करीब 5 से 6 आलू मीडियम साइज के बॉईल करके रख लिए हैं, और जो सामग्री पड़ेगी उसमें है वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैंने घर पे ही बना के रखा हुआ था। उसके अलावा धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आमचूर, जो खटास देता है। घर में बना हुआ मैंने गर्म मसाला बना के रखा हुआ है, और कसूरी मेथी। तो चलिए पहले हम इसका मसाला रेडी करते हैं, और फिर मैं आपको आटा गूंथने का तरीका बताती हूँ। पराग में हम ये आटा डाल देते हैं, ऑल पर्पज फ्लार जो हमने निकाल के रखा हुआ था, ये आधा किलो करीब करीब है। इसमें ये ओवा जो मैंने निकाल के रखा हुआ था वो हम डाल देंगे, और ये जो घी हमने निकाल के रखी हुई थी ये भी हम इसमें डाल देंगे साथ। जो नमक है हमको बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालना है, क्योंकि समोसे के मसाले में ऑलरेडी नमक पड़ता है, तो करीब करीब आधा चम्मच हम नमक इसमें डाल देंगे, और बिल्कुल कम पानी के साथ इसको एकदम कड़क गूंथेंगे। पानी इसमें कितना लगेगा, करीब करीब 1.5 ग्लास पानी लगेगा। ग्लास का आपको मेजर मैं बता देती हूँ कि कितना बड़ा ग्लास मैं यूज़ करूँगी। ये ग्लास करीब करीब 1.5 ग्लास इसका हम पानी डाल के इसको गूंथ लेते हैं कड़क। समोसे का जो अंदर का मिश्रण होता है या फिलिंग होती है आलू की, उसके लिए मैं नॉर्मल तेल नहीं यूज़ कर रही हूँ, सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। टेस्ट बहुत अच्छा आता है, करीब करीब 2 से 3 चम्मच आप तेल डाल दीजिए, छोटे चम्मच, ज़्यादा तेल नहीं लगता है इसमें। अगर आपको सरसों का तेल का फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है तो आप रेगुलर तेल भी डाल सकते हैं, पर इससे सरसों के तेल से बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है। तो चलिए देखते हैं, मैंने तेल डाल दिया है, इसको गर्म होने देते हैं, और जैसे ही गर्म हो जाता है हम इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट हमने निकाल के रखा था वो डाल देंगे। ये करीब करीब 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है जो इसमें पड़ेगा। इसको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट ला के बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है सरसों के तेल की और अदरक लहसुन के तेल की, जो अच्छे से भूंज रहा है, और सारे सूखे मसाले हमने जो निकाल के रखे थे अब इसी में डाल देंगे। 1 मिनट बस जरा ये पक जाए, और सारे सूखे मसाले जो हमने निकाल के रखे हुए थे वो सारे इसमें पड़ेंगे। तो ये मेरा गरम मसाला इसमें चला जाएगा। ये जो आमचूर पाउडर मैंने निकाल के रखा था, ये करीब करीब 1 चम्मच है, ये इसमें चला जाएगा। ये इसमें चला जाएगा। उसके बाद ये जो चिली पाउडर हमें निकाल के रखी थी करीब करीब 1.5 चम्मच करीब करीब वो चली जाएगी इसमें। कसूरी मेथी जो हमने निकाल के रखी थी ये थोड़ी हम क्रश कर लेंगे, और ये भी इसमें डाल देंगे। ये सारे मसाले हमारे इसमें जा चुके हैं, इसको हम अच्छे से अभी चला लेंगे, और गरम मसाला हम आखिरी में डालेंगे। तो ये मसाले अच्छे से भून जाएंगे। तो जो आलू हमने पका के रखा है और नमक, ये दोनों हम
चटनी में डालेंगे। ये देखिए ये मसाला मस्त बहुत ही बढ़िया भुन गया है। हम इसको एक मिनट और रहने देंगे गैस पे, ये भुन जाए, फिर इसमें हम आलू डाल देंगे। ये मसाले ने तेल छोड़ दिया है, अब जो हमने आलू उबाल के रखे हुए थे स्मैश किए हुए वो सारे इसमें डाल देंगे। और उसके बाद हम में नमक और गरम मसाला जो हमने करके रखा हुआ था वो भी डाल देंगे। ये देखिए आलू मैंने डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। अब मैं इसमें नमक डालूंगी, नमक करीब करीब एक चम्मच, एक से थोड़ा ज़्यादा। और जो गरम मसाला मैंने डाल के रखा था ये मेरा घर का बना हुआ गरम मसाला है, ये मैं करीब करीब डेढ़ चम्मच इसमें डाल दूँगी। और ये इसको एक दो तीन मिनट के लिए अच्छे से पकने दूँगी ताकि ये सारे मसाले आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर आखिर में मैं हरी धनिया डाल दूँगी। और ये देखिए झटपट हमारा समोसे का मसाला रेडी है। ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनेगा, आपको ज़रा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए बढ़िया हो गया है मेरा आलू, अच्छे से मसाले सारे मिक्स हो गए हैं। और बस अब इसको हमको धनिया के साथ गार्निश करना है। और बहुत सारा धनिया, मुझे धनिया बहुत पसंद है तो धनिया के साथ गार्निश कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आटा जो मैं गूंथ के रखा था वो कैसा बना है। देखिए अभी आटा गूंथ के तैयार है, एकदम कड़क आटा गूंथा है। इसको 7 से 8 मिनट के लिए आप रहने दीजिए, ढक के रख दीजिए और फिर उसके बाद समोसे बेलना शुरू करिए। समोसे बिना मीठी चटनी के कैसे मजा आएगा? तो मीठी चटनी के लिए मैंने 5 से 7 खजूर भिगा के रखे हुए थे, थोड़ी सी इमली भिगा के रखी हुई थी, लाल मिर्ची स्वाद अनुसार, ये बेसिकली कश्मीरी लाल मिर्च है तो तीखा कम है, थोड़ी सी सॉल्ट पाउडर, थोड़ा सा गुड़ और नमक, इन सब को हम ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे और हमारी मीठी चटनी तैयार हो जाएगी। तो लोई पेड़े साइज की आप ले लीजिए, रोटी का जो पेड़ा रहता है उसे थोड़ा सा छोटा, और एकदम पतला इसको बेल लीजिए, एकदम पतला, ताकि आपका समोसे की फिलिंग अच्छे से आ सके। तो थोड़ी मीडियम साइज रोटी आप बेलिए, देखिए कितनी फर्स्ट क्लास बेल गई है। अब इसको बीच से हम काट लेंगे ताकि इसका कोन बना सके। तो उठिए मैं बताती हूँ कैसे दिखेगा। ये देखिए इसको ऐसे बीच से चीरा आप लगा दीजिए इसको बढ़िया, और फिर इसको पानी से चिपकाना है, कोन बनाना है हमको। तो वो मैं दिखाती हूँ आपको कि कोन कैसा बनेगा। थोड़ा सा इसको हम बेल लेंगे, ये देखिए फर्स्ट क्लास ये बेल गया। अब इसको आप ले लीजिए, तीनों तरफ से आप पानी लगा लीजिए, परफेक्ट। और इसका ये देखिए इतना ऐसे फर्स्ट क्लास कोन बन जाएगा, ये बन गया आपका समोसे का कोन। अब इसमें जो है ये देखिए आपका बन गया समोसे का कोन, इसमें आप जो स्टफिंग बनाई थी वो फिल कर लीजिए। स्टफिंग हमने बनाई थी आलू के मसाले की, वो इसमें अच्छे से फिल कर लीजिए आप, बढ़िया बहुत ही बढ़िया देखिए। और बस इसको आप में सील कर देना है, थोड़ा सा पानी लगा के आपको इसे सील कर देना है। ये बन गया आपका समोसा। अब हम मैं बताती हूँ इसको कैसे तलना है। सो धीमी आंच पे तलना है और बिल्कुल कुरकुरा तलना है। ये देखिए मेरा तेल ऑलरेडी गर्म है और जो मैंने समोसे बना के रखे हुए थे मैं इसे तेल में छोड़ दूंगी। समोसे के आंच मैंने एकदम धीमे आंच पे रखा हुआ है ताकि ये बढ़िया एकदम धीमे धीमे सिके और एकदम बढ़िया खस्ता बने। ये देखिए समोसे एकदम खस्ता कुरकुरे हमारे होने लगे, हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए, थोड़ा कलर चेंज होगा और ये हमारे समोसे तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट स्टाइल में कुरकुरे समोसे बनते हैं, बहुत ही लज्जतदार होते हैं, बहुत ही लाजवाब बनते हैं। बस इसको थोड़ा और आप हल्का कर लीजिए लाल और आपके समोसे तैयार हैं।